दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगर दिल्ली में कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है तो वो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। दोनों के बीच अक्सर कोल्ड वॉर देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन जरा सोचिए अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव जीतने के लिए मनोज तिवारी गाकर और डांस करके प्रोत्साहित करे तो जाहिर सी बात है किसी को भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने प्रचार के लिए लगे रहो केजरीवाल थीम पर एक गाना रिलीज किया है और इस गाने में आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लगे रहो केजरीवाल गाना अच्छा है, इतना अच्छा कि सर मनोज तिवारी भी इस पर डांस कर रहे हैं। दरअसल मनोज तिवारी के पुराने गानों के वीडियो को इस गाने में एडिट करके इस्तेमाल किया गया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी आपके चुनाव प्रचार गाने पर ही डांस कर रहे हैं। जैसे ही आपके ट्विटर पेज पर ये वीडियो शेयर किया गया, भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मच गया। आपके इस कदम पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से आपत्ति जाहिर की है। मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने प्रचार सॉन्ग में मेरे वीडियो इस्तेमाल करने का हक किसने दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में अपना शिकस्त देखकर चकरा गए हैं। मनोज तिवारी ने इस आपत्ति को चुनाव आयोग में दर्ज कराने के साथ मानहानि और प्रॉपर्टी राइट्स के अधिकार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी से 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। बता दें, दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए राजनीतिक दल जमकर प्रचार करने में जुट गए हैं। ऐसे में पार्टियां एक दूसरे की खिंचाई करने में भी पीछे नहीं हट रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।